प्यारे बच्चों, अब हम पदार्थ के कणों की विशेषताएं अगला पॉइंट देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके लिए एक हम छोटी सी गतिविधि करके देखते हैं, जिसके अंदर हम गिलास के अंदर पानी लेंगे, गिलास के अंदर पानी लेंगे और इन गिलास के अंदर अलग-अलग रंग को डाल करके देखेंगे और कुछ समय बाद क्या होता है ये देखेंगे। पहले गिलास के अंदर मैंने नीली स्याही को डाला है, दूसरे में पीले रंग को डालता हूँ मैं, तीसरे गिलास में लाल रंग को, चौथे गिलास में हरे रंग को और पांचवें गिलास में पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे पानी में हम ये देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ के कण हैं धीरे धीरे फैल रहे हैं, डिफ्यूज्ड हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, निरंतर गति कर रहे हैं। तो ये जो गुण है इसको हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी कमरे में इत्र, परफ्यूम या रूम फ्रेशनर या मॉस्किटो रिपेलेंट डालने पर उसकी महक जो है कुछ समय बाद पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये सब किसके कारण से हो रहा था कि पदार्थ के कण निरंतर गति कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, फैल रहे थे, प्रसार हो रहा था। तो ये डिफ्यूजन है, प्रसारण है, विसरण है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई रॉकेट जा रहा होता है तो उसके पीछे जो धुएं की लाइन निकल रही होती है, तो जब रॉकेट जा रहा होता है उस समय एक जगह पर हमें धुआं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो लकीर जो है धीरे धीरे फैलती जाती है और कुछ समय बाद गायब हो जाती है। एक प्रश्न और भी आता है मेरे मन में कि मान लो एक कमरा है जिसमें दो अगरबत्ती हैं, एक बिना सुलगी हुई है, बिना जली हुई है और दूसरी सुलग रही है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी खुशबू हमारे पास पहले पहुंचेगी, गंध पहले पहुंचेगी? या ठंडा खाना रखा हुआ है और गर्म खाना बन रहा है, किसकी गंध पहले पहुंचेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने सोचा कि गर्मा गर्म खाने की गंध पहले पहुंचेगी या अगरबत्ती की पहुंचेगी, तो इसका मतलब विसरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। इसके लिए हम इसके भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, विसरण यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम टेम्परेचर के द्वारा या पदार्थ की प्रकृति के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश की गई है। दो गिलास हैं, एक में ठंडा पानी और दूसरे में गर्म पानी। केवल टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, बाकी आइडेंटिकल कंडीशन है। एक जैसे दो गिलास हैं, समान स्तर का पानी है और दोनों में समान मात्रा में हम कलर जो सॉल्यूशन है उसको डाल करके देखते हैं कि किसके अंदर ये जो रंग है पहले डिफ्यूज हो जाता है एक समान रूप से, ठंडे में या गर्म में, ये देखते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि गर्म पानी के अंदर इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बड़ी है और इसमें जो फैलने का गुण है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, जबकि ठंडे पानी में वो यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी और देखते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि जो गर्म पानी है उसमें समान रूप से
रंग आ गया है, जबकि ठंडे पानी में अभी भी यहां वहां फैला हुआ है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ के जो प्रकृति है वो किस प्रकार विसरण की दर को प्रभावित करती है, इसको हम अगली गतिविधि में देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, गर्म पानी में ये रंग जो है समान रूप से फैल गया, जबकि ठंडे जल में ये अभी चल रहा है। अब हम पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है उसको देखते हैं। अब हम पदार्थ की प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं। पदार्थ की जो सांद्रता है ये भी हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रभावित करती है। इसके लिए एक छोटी सी गतिविधि हम करके देख सकते हैं। हमें चाहिए क्या, 2 गिलासों में पानी, शहद और कोई रंगीन विलयन। अब मैं क्या करता हूँ, 1 गिलास में शहद डालता हूँ और दूसरे में रंग को, और देखते हैं कि कौन जल्दी जो है विसरित होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि शहद तली में जाकर के बैठ गया है, और इसको हम एक कोने में, घर के कोने में रख दें बिना डिस्टर्ब हुए, और इसको देखें तो कितने घंटे बाद शहद जो है पूरी तरीके से विलयन में आ जाएगा, इसको देखें आप स्वयं करके देखें। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है वो लगभग विसरित हो गया है समान रूप से। तो हम ये पाते हैं कि जो पदार्थ की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, विस्कोसिटी है, श्यानता है, जो उसकी गाढ़ापन है, ये भी विसरण की दर को प्रभावित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।